फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जॉब अड्डा में। दोस्तों, अगर आप हरियाणा राज्य में फंसे हैं या तो फिर आप अगर हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं और किसी और राज्य में फंसे हैं, तो हरियाणा राज्य में वापस आने के लिए और हरियाणा राज्य से किसी और राज्य में जाने के लिए कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और उसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो क्या है, इसके बारे में मैं सारे डिटेल्स में बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। तो वीडियो में पूरा बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और तो दोस्तों, चलिए वीडियो की ओर चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, चलिए चलते हैं क्रोम ब्राउज़र। सबसे पहले आपको ओपन करना है या फिर आप कोई किसी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और इसमें आपको टाइप करना है, देख सकते हैं edisa.gov.in, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट हरियाणा राज्य का। तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि यहाँ पे आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ CM जो हरियाणा का CM है, तो उनका यहाँ पे आपको पिक दिख रहा है उनका। तो चलिए, इसके बाद आगे आपको आना है और इसका मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, तो वहाँ से जा कर के आप डायरेक्टली इस लिंक को ओपन कर सकते हैं और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको एंटर करना होगा, तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ। इसके बाद आपके पास मोबाइल पे OTP आएगा, एक OTP देख सकते हैं, जैसा कि मेरा OTP आ गया, देख सकते हैं आप। तो चलिए फटाफट OTP एंटर कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं OTP एंटर कर दिया, सबमिट पे क्लिक कर दिया। इसके बाद आपका इस तरह का एक फॉर्म खुल जाएगा, जो कि देख सकते हैं आप हरियाणा मतलब राज्य का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा। फर्स्ट पे आप पढ़ के देख सकते हैं, हरियाणा राज्य के लोग जो दूसरे राज्य में हैं और हरियाणा वापस आना चाहते हैं, उसके लिए फर्स्ट वाले पे क्लिक करें। और अगर हरियाणा राज्य में हैं, आप अगर दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं, जैसे बिहार, झारखंड, UP, छत्तीसगढ़ है, मतलब ऐसा कुछ, तो आप इस वाले पे क्लिक करेंगे। तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी श्रेणी चूज करना है आपको, ठीक है। तो आप किस कैटेगरी में है, जैसे स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं यहाँ, तो इस तरह से सारा एग्रीकल्चर वर्कर, ऊपर सबसे ऊपर से आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर वर्कर, गोप्ट ऑफिसर, यानी इसमें से जो आप हैं वो अदर वर्कर, सारा चीज़ मतलब आप इसमें देख सकते हैं, जो आप हैं वो चूज कर लीजिए। तो मैं यहाँ चूज कर लेता हूँ। तो इसके बाद व्यवसाय चूज करना है यहाँ पे, तो मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ प्राइवेट कंसल्टेंट वर्कर। इसके बाद यहाँ एम्प्लॉय नेम डालना है, तो यहाँ पे आप अपना नाम डाल लीजिएगा। इसके बाद यहाँ नाम डालने के बाद आपको प्लेस ऑफ वर्क, काम की जगह, आप कहाँ पे काम करते हैं वो इस जगह पे डालना है, ठीक है। इसके बाद आपको आगे मैं बता रहा हूँ इतना फिर। इसके बाद आप आगे देख सकते हैं सेकेंड सोकर एड्रेस, यानी मतलब स्रोत कहाँ से हैं आप, तो ये चीज़ आपको फिलअप करना है। तो स्टेट हरियाणा से, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट अब यहाँ का चूज करेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव। इसके बाद एरिया क्षेत्र आपका जो जैसे है आप चूज कर लीजिए, अर्बन है या रूलर है, तो यहाँ पे रूलर ही है, प्रखंड, तो आप यहाँ पे अपना चूज कर लीजिए। इसके बाद देख सकते हैं ग्राम चूज करना है,
तो मैं अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद नज़दीकी कैंप आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो इसके बाद आप नज़दीकी कैंप चूज कर लेंगे। इसके बाद आपको सारा यहाँ पे एड्रेस फिल करना होगा जहाँ आप अभी रह रहे हो। उसके बाद आपको स्ट्रीट रोड गली यानी कुछ चीज मतलब देना होगा कि इस जगह पे कुछ मतलब लैंडमार्क देना होगा आपको, यानी लोकेशन देना होगा सही लोकेशन, जैसे अस्पताल, स्कूल या फिर कुछ ऐसा चीज़ हो, सरकारी पोस्ट ऑफिस, तो वैसा जगह है स्ट्रीट गली सड़क। इसके बाद कॉलोनी सेक्टर एरिया देना होगा यहाँ पे। ये आपको जहाँ पर अभी आप हैं प्रेजेंट में उसका एड्रेस सारा फिल करना है। तो चलिए फटाफट मैं फिल कर लेता हूँ। इसके बाद जहाँ पे आपको जाना है यानी आप अगर बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार का अपना एड्रेस सेलेक्ट कीजिए, या तो झारखंड का या यूपी का रहने वाले हैं तो वो जहाँ के आप रहने वाले हैं तो अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए। तो मैं अपना स्टेट सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो आप इस तरह से फटाफट अपना सेलेक्ट करना है सारा चीज़ देख सकते हैं। इसके बाद एड्रेस पता, इसके बाद इसमें आपको फुल एड्रेस देना है जो आपके आधार कार्ड पर है। यात्रा का तारीख, इसमें आपको यात्रा की मतलब तरीका दिया हुआ है, कैसे स्पेशल ट्रेन, बस, प्राइवेट व्हीकल, रेंटेड व्हीकल, किस चीज़ से आप जाना चाहेंगे इस तरह से। तो आप तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें मैं फटाफट इसको फिल कर, आप देख सकते हैं जैसा कि मैं एड्रेस और अपना जो यात्रा का तरीका है उसको मैं सेलेक्ट कर लिया, बस सुविधा चाहिए मुझे। तो इसके बाद बोर्डिंग स्टेशन बस स्टैंड, ठीक है, तो बोर्डिंग स्टेशन बस स्टैंड कहाँ पे आपका बस स्टैंड है, कहाँ से मतलब आप बस कौन से बस स्टैंड से आप चढ़ेंगे, ये चीज़ पूछ रहा है। इसके बाद गंतव्य स्टेशन बस तक, मतलब आप कहाँ तक जाना चाहते हैं ये चीज़ आपको एंटर करना है। तो चलिए एंटर करिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे पूछा जा रहा है बोर्डिंग यानी आप किस बस स्टैंड से आप बैठेंगे, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको डाल देना है अपना जगह कहाँ से आप बैठेंगे। इसके बाद कहाँ पे आप किस बस स्टैंड में आप उतरेंगे, ये चीज़ पूछा जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप निवास स्थान से लेकर बोर्डिंग स्टेशन बस स्टैंड में परिवहन चाहते हैं, यानी आप जब बोर्डिंग आपका जहाँ पे आप बैठेंगे बस वहाँ तक जाने के लिए अपने कमरा से आप कोई परिवहन चाहते हैं तो फिलअप कीजिए और नहीं तो नहीं कीजिए। और अगला यहाँ पूछा जा रहा है क्या आप गंतव्य स्टेशन बस स्टैंड घर तक परिवहन चाहते हैं, यानी आप जो मतलब बोर्डिंग स्टेशन है वहाँ से अपने घर तक जाने के लिए कोई परिवहन चाहते हैं, तो यहाँ पे यस कर दीजिए, तभी तो आपको गाड़ी मिलेगी जाने के लिए घर। इसके बाद मूलभूत जानकारी यहाँ पे आपको अपना एंटर करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ एंटर करना है। तो चलिए फटाफट एंटर करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं अपना नाम, एज, मेल, कैंडिडेट, जेंडर, उसके बाद जो जिसे जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको हेल्थ कंडीशन पूछा जा रहा है कि आपका गला में खराश है या सांस लेने में कोई तकलीफ है, इनमें से कोई नहीं अगर है तो आप कुछ नहीं है तो आप कोई नहीं पे क्लिक करके और ओके कर दीजिए। इसके बाद आइडेंटिटी कार्ड पूछा जा रहा है अगर आपके पास क्या क्या आइडेंटिटी प्रूफ है, तो आईडी प्रूफ में आपके पास आधार आईडी, वोटर आईडी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट आईडी, स्टेट गवर्नमेंट आईडी, सेंट्रल गवर्नमेंट आईडी, अदर कुछ भी होना चाहिए तभी आप। तो मैं आधार कार्ड आईडी यहाँ पे चुन लिया। इसके बाद चूज करने के बाद आप यहाँ आधार नंबर, आपको जो आईडी देंगे उसका नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। इसके बाद अगर आपका गलत है तो गलत अगर किसी प्रकार से एंटर हो गया तो यहाँ से आप हटा भी सकते हैं या तो डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप अगर किसी और फैमिली के आप मेंबर को ऐड करना चाहते हैं इसमें, तो यहाँ से आप फैमिली मेंबर को भी ऐड कर सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा आपके साथ कोई और है तो उनका यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं मोबाइल नंबर आपका दिया हुआ है ऑलरेडी। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ आप हरियाणा में क्यों आए थे, ये पूछा जा रहा है, स्टडी के लिए, वर्क के लिए, टूरिज्म घूमने के लिए, या फिर जो भी आपका होगा वो चूज कर लीजिए क्या। इसके बाद आप हरियाणा में कब पहुँचे थे, ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है, तो जब आप पहुँचे थे उसे सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद
ये वाला देख रहे हैं यहाँ पे जो कोड दिया है उसको इसमें एंटर करना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए फटाफट मैं इसे करके दिखाता हूँ आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना, मैं यहाँ पे कैप्चा को एंटर कर दिया, कैप्चा कोड यहाँ पे एंटर करने के बाद, सारा चीज़ एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है, सबमिट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का, यहाँ पे थैंक यू फॉर रजिस्ट्रिंग विथ गो फॉर परमिशन टू ट्रेवल फॉर्म हरियाणा टू अदर स्टेट विथ एक्नॉलेजमेंट नंबर इतना, यानी मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है जो कि इतना है, देख सकते हैं। तो मैं अब ओके पे क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं रजिस्टर अनदर मेंटेन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप होम पेज पे चले जाएंगे जहाँ से कि आप ऑनलाइन करना चालू स्टार्ट किए थे। तो इस तरह से दोस्तों आपको अगर हरियाणा राज्य से अगर अपने राज्य वापस जाना है तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और या तो आपको अगर दूसरे राज्य से हरियाणा में आना है तो उसके लिए भी ऑप्शन है, जस्ट ऐसे ही उसके लिए भी आपको अप्लाई करना होगा। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।